राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। फिर भी उनके अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती, और जो मिलती भी है वह परस्पर विरोधी है और इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जैसे कि आज तक यही निश्चय नहीं हो सका कि महाकवि कालिदास किस समय हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि वे पहली शताब्दी में कश्मीर में हुए थे, कुछ लोग ये मानते हैं कि वे चौथी शताब्दी के गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के रत्नों में से एक थे, जबकि बहुत सी कथाओं में उन्हें दसवीं शताब्दी के धारा नगरी के राजा भोज का मित्र बतलाया गया है। और तो और, किंवदंतियां तो यहां तक कहती हैं कि पहले कालिदास बड़े मूर्ख थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। राजधानी से इतनी दूर निकल आए, अब और कितना चलना पड़ेगा प्रधान जी? धैर्य रखो वसुमित्र, जब घर से एक संकल्प लेकर चलो तो उसे पूरा किए बिना लौटना ठीक नहीं। लेकिन ये तो बताइए कि हमारी खमंडी राजकुमारी, जिसने आपकी विद्या बुद्धि तक का अपमान किया, वो भला एक मूर्ख पति को वो कैसे स्वीकार करेगी? यही कहना चाहते हो वसुमित्र? जी हाँ। ये तो मुझ पर छोड़ दो, उसे अपनी विद्या का बड़ा घमंड है। कहती है जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से विवाह करूंगी। घोर महामूर्ख से उसका विवाह ना कराया तो मेरा नाम बदल देना, मैं भी राजनीति और कूटनीति का पंडित हूं, देखना उसे कैसे उचित दंड देता हूं। कल की छोकरी और भरी सभा में प्रधानमंत्री विष्णु शर्मा का अपमान करे। अरे अरे प्रधान जी, आप देख रहे हैं इस लकड़हारे को कैसा मूर्ख है, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अब इसके स्वयं भी भूमि पर आ गिरने में अधिक देर नहीं है वसुमित्र। ये तो वास्तव में महामूर्ख लगता है, किंतु देखने में सुंदर है, युवा है, महामूर्ख भी लगता है। मैं जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा हो गया, राजकुमारी विद्योत्तमा के लिए योग्य वर मिल ही गया। प्रधानमंत्री विष्णु शर्मा मूर्ख कालिदास को राज्यसभा में ले गए। उन्होंने सबसे कह दिया कि कालिदास बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आप समझ गए ना कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था? इसलिए कि अगर कालिदास बोलते तो पोल खुल जाती, मौन रहकर इस मुसीबत से बचा जा सकता था। राजकुमारी का पंडित बने हुए कालिदास के साथ शास्त्रार्थ हुआ, निर्णायक बने अपमान की आग में जलते हुए प्रधानमंत्री विष्णु शर्मा। इस शास्त्रार्थ की यह विशेषता थी कि यह मौन शास्त्रार्थ था। इशारों का अर्थ स्पष्ट करने और संचालन करने के लिए प्रधानमंत्री तो थे ही। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, वो ये कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है। कालिदास को लगा कि वो कह रही है कि तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। उन्होंने तत्काल दो उंगलियां उठा दी।
कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्योत्तमा ने पांचों उंगलियां दिखाई कि यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, तो कालिदास ने समझा यह तमाचा मारने को कह रही है। उन्होंने फौरन मुक्का तान लिया कि मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगा। अब विद्वानों ने इन इशारों के बड़े बड़े गूढ़ अर्थ लगाए। उन्होंने कहा कि राजकुमारी ने कहा ईश्वर एक है, तो कालिदास ने ईश्वर और माया यह दो भेद बताए। फिर जब राजकुमारी ने पंच तत्वों की बात की तो कालिदास ने कहा पांच तत्व अलग अलग दिखाई देते हैं पर वे सब मूलतः एक ही हैं। और ऐसे ही तर्कों से पंडितों ने शास्त्रार्थ में कालिदास को विजयी घोषित कर दिया। कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह भी हो गया। विद्योत्तमा बड़ी प्रसन्न थी। आज मैं कितनी प्रसन्न हूं, मुझे बचपन से ही विद्या और विद्वानों से बड़ा लगाव था, इसीलिए मैंने पिताजी से कह दिया था कि मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करे उसी से मेरा विवाह होगा। आपने अपने अकाट्य तर्कों से मुझे परास्त कर दिया, किंतु मुझे अपनी इस पराजय का कोई दुख नहीं है। इसी के कारण मुझे आप मिले हैं। आप जैसे विद्वान पति को पाकर मैं धन्य हो गई। ये आप खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं? ऊंट्र। क्या ऊंट्र? ऊंट्र, मुझे ऊंचे ऊंचे ऊंट्र बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्या, आप ऊष्ट शब्द ठीक से नहीं बोल सकते क्या? ऊंट्र? हाँ, ये तो ठीक से बोल भी नहीं सकते। क्या इसीलिए तो इनके मौन व्रत की बात का प्रचार नहीं किया गया? क्यों जी, आप काम क्या करते हैं? क्या करता हूँ? जो मेरे बाप दादा करते थे वही करता हूँ। लकड़ी काटता हूँ और हाट में बेच आता हूँ। तुम क्या लकड़हारे हो? पर प्रधान जी ने तो कहा था कि तुम... वही तुम्हारे प्रधान जी तो मेरे गांव में आए थे, मुझसे बोले कि राजकुमारी से विवाह करोगे, तो मैंने हाँ कर दी और उनके साथ यहाँ आ गया। और वो राजसभा का शास्त्रार्थ, जब मैंने कहा कि ब्रह्म एक है तो... तुमने कुछ कहा कहाँ? तुमने तो एक उंगली दिखाई तो मैंने दो दिखा दी, तुमने तमाचा दिखाया तो मैंने घूंसा दिखा दिया। ए भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरा विवाह इस मूर्ख लकड़हारे से। मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। इतना बड़ा धोखा, मैं तुम्हें अपने से अधिक विद्वान मानकर अपने आप को धन्य समझ रही थी, और तुम क्या निकले, एक अनपढ़ मूर्ख। मगर मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसे मूर्ख पति को मैं पति नहीं मानती। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो एक दिन तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरूंगा। अब तो पढ़ लिख कर समझदार बनकर ही तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। और जो कहा था ठीक वैसा ही कर दिखाया कालिदास ने। उन्होंने बड़े परिश्रम से व्याकरण, साहित्य, गणित, ज्योतिष सभी का अध्ययन किया और थोड़े ही समय में प्रकांड पंडित हो गए। जब अपने घर लौटकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नी ने अंदर से पूछा कौन है। उन्होंने कहा अनावृत कपाटं द्वारं देहि, यानी कि मुझे ऐसा मुक्त द्वार दो जिसके किवाड़ खुले। पत्नी ने उनका स्वर तो पहचान लिया लेकिन उनके बात करने का ढंग नहीं पहचान पाई। ऐसे सुंदर साहित्यिक ढंग से द्वार खोलने को कहने वाला भला उसका अनपढ़ पति कैसे हो सकता था। इसीलिए उसने आश्चर्य से कहा अस्ति कश्चित वाग विशेषः।
यानी वाणी में कुछ विशेष बात है? उसने द्वार खोल दिया। कालिदास के मुख पर पांडित्य का तेज था। जब विद्योत्तमा ने देखा कि उसके पति ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, सारी विद्या प्राप्त कर पूर्ण रूप से विद्वान बनकर लौटे हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद कालिदास ने पत्नी द्वारा बोले गए तीनों शब्दों पर एक एक महाकाव्य की रचना की। अस्ति शब्द से कुमार संभवम काव्य की रचना की। कश्चित से आरंभ हुआ महाकवि का मेघदूतम नामक काव्य और वाग से रघुवंशम। इसके अतिरिक्त उन्होंने तीन नाटक भी लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम और मालविकाग्निमित्रम। तीनों ही नाटक कालिदास की उत्कृष्ट कला के नमूने हैं, पर अभिज्ञान शाकुंतलम का तो पूरे विश्व साहित्य में विशेष स्थान है। इन छह रचनाओं के अलावा कालिदास ने छहों ऋतुओं का वर्णन करते हुए ऋतु संहारय नाम का काव्य भी लिखा है। कालिदास की इन सातों रचनाओं में बहुत सुंदर प्रकृति वर्णन है। मनुष्य मनुष्य के आपसी संबंधों का बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण है। लेकिन जो बात कालिदास को संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि बनाती है, वह हैं उनकी उपमाएं। उनके सभी काव्यों में उपमाओं की छटा सर्वत्र देखने को मिलती है। उनकी एक उपमा तो विद्वानों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कालिदास का नाम ही दीपशिखा कालिदास रख दिया था। रघुवंशम में अयोध्या के राजकुमार जब राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में भाग लेने आते हैं, स्वयंवर सभा में सब राजा बैठे हैं, इंदुमती हाथ में वरमाला लिए बढ़ रही है। इस पर कालिदास कहते हैं, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यंग यंग व्यतियाय पतिं वरासा।